ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਰੋੜੀ? ਸੱਟ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਉਦੋਂ ਧਮਸਲ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਟਾ ਟਰਾਲੀ ਹੋਰ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਹੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਧਮਸਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੋੜੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम मेरी तरफ से और मोहम्मद बिलाल की तरफ से। मोहम्मद बिलाल ये देखो मानी और मानी छत पे रोड़ी डल रही है, वहाँ पे सिमर डलना है, फिर ऊपर मार्बल लगना है, तो वो कम हो गई थी। तो जैन भाई दो ट्रालियाँ मेरे ख्याल से मंगवा चुके हैं, दो ट्राली रोड़ी, तो वो कम पड़ गई है और एक ट्राली मज़ीद चाहिए। तो मैं अभी ट्रैक्टर वाले भाई के डेरे पे हूँ, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि सुबह जुमा है और जुमे वाले दिन जो वर्कर हैं वो पट्ठे पे जो काम करते हैं वर्कर, वो छुट्टी करते हैं। अगर तो लोडर ट्रैक्टर जो रोड़ी लोड करता है उसकी छुट्टी ना हुई तो इंशाल्लाह सुबह आ जाएगी, नहीं तो वो हफ्ते को मिलेगी। और मोहम्मद बिलाल जो है वो वाला ट्रैक्टर देख रहा है, ये वाला, और इस पानी को कह रहा है बाबा मानी। अभी जो है वो मुझे किंगरा जाना पड़ गया है, यानी टाउन रोड़ी की ट्राली जो है वो मंगवानी है, तो उसके लिए पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। उनसे कहा था कि पैसे जो हैं वो मैं आज उनको दे दूंगा, तो वो ट्राली जो है अगर उनके पास हैं तो पैसे हैं तो वो ले आएँ मंगवा लें, तो मैं उनको पैसे दे दूँगा। अदरवाइज़ जब मैं पैसे ले आऊँगा फिर वो जाके ट्राली जो है रोड़ी की वो ले आएँ। तो अभी टाउन जाते हैं और टाउन मैं अकेला नहीं जा रहा, मैंने मुकल्लफ भाई को फ़ोन किया है। मुकल्लफ भाई किंगरे जाना है? मैं क्या किंगरे जाना है, चलोगे मेरे नाल? चलें ठीक है ठीक। अभी मुकल्लफ भाई को साथ लेते हैं और फिर चलते हैं टाउन। मतलब दाढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह शौक पड़ा है रखने का, तो मसला ये है कि मूछें जो है ना इसके थोड़े से भी बाल बढ़ जाए ना तो बहुत अजीब फील होता है, और खाना खाते हुए भी अजीब फील होता है, और वैसे भी बस आवाज़ आ रही होती है। तो ये भी सेट करवानी है, मूछें सेट हो जाएं तो ये भी सेट करवाते हैं और टाउन भी जाते हैं, और फिर बहुत सारे काम हैं, और उससे पहले चेंज कर लें जी। तो हो गया है चेंज, ये टॉप कूल बाजुओं पे चढ़ाने के लिए कि काले ना हो जाएं, तो पहले से ही बाजू जो हैं वो काले हो गए हैं। तो ये मैं साउथ कोरिया से लेके आया था, ऊपर कोरियन लैंग्वेज लिखी हुई है, यहाँ से भी मिल जाते हैं लेकिन वहाँ से मैंने ये परचेज़ किए थे, वो भी ऑनलाइन परचेज़ किए थे, मार्केट से नहीं लिए थे। तो अभी एक जो है वो मैं खुद पहन के जाऊँगा और दूसरा जो है वो आज मुकल्लफ भाई को गिफ्ट किया जाएगा। इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि इनमें से जब हवा गुजरती है ना तो वो ठंडी लगती है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। ले जी, हम तो हो गए हैं तैयार टॉप कूल के साथ, ये चलते हैं फिर। मोबाइल वायलेट और मास्क, पंखा ऑफ। अभी मोहम्मद बिलाल से जो है वो मैं छुप के जा रहा हूँ, उसको पता चला तो वो ज़िद करेगा, और गर्मी बहुत है तो इसलिए मोहम्मद बिलाल को साथ में नहीं लेके जा सकते, तो अभी खामोशी से निकलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, ठीक हो? हाँ जी, चलिए चले जी। आपने बहुत लेट किया, अभी तो टाइम हो गया तकरीबन 10 का। ओ, असल में ना मैं तैयारी करते करते सही है, मैं कब का वेट कर रहा था, और मोहम्मद बिलाल से मैंने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। इधर भी वही सूरत है। ये लें, ये आपके लिए गिफ्ट है। हाँ माशाल्लाह। और ये पता है साउथ कोरिया से गिफ्ट आया हुआ है। ये मेरे लिए जी पहला गिफ्ट है और काफ़ी देर के बाद मुझे मिला। जब ज़रूरत पड़नी थी तभी था ना, अभी मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे याद आया ना। अच्छा अच्छा। तो मैंने ये स्पेशली आपके लिए लाया हूँ कि आप जो है वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना। हाँ। तो तब मैंने ये ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा था।
सही हो गया, ये ऊपर कोरियन लिखा है, नीचे टॉप कूल लिखा है। इसका मतलब ये अगर आप पहनेंगे ना आपको गर्मी नहीं लगेगी, जैसे जैसे हवा चलेगी ना। अभी पहन लो फिर? हाँ हाँ पहने चलें। चलें जी ट्राई करते हैं। ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे आप। पहला गिफ्ट है जनाब, इसमें लेफ्ट राइट तो कोई नहीं है? कोई नहीं, वैसे मैं देख रहा हूँ ये बाहर की साइड को जो कूल टॉप है ना, ये बाहर वाली साइड पे आएगा मेरे ख्याल से। ऐसे ही है भैया, आपने भी ऐसे ही पहनी हुई है। हाँ वो आजकल असल में गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना। हाँ। तो फिर रंग हमारा पहले से ही वैसा थोड़ी सी धूप पड़े ना नहीं चक काला हो जाता है। फुल बाजू वाली बंदा शर्ट तो पहन नहीं पहन ही सकता, नहीं तो हाफ बाजू तो फिर पहननी पहननी होती है। तो जब बाहर कहीं बाजार में चक्कर लगे ना, या वैसे भी बाहर खेतों में काम करना हो, तो फिर ये जो बाजू है ना हमारे, ये फुल ब्लैक हो जाते हैं। तो फिर वाजिया नजर ऐसे ही फिर वाजिया नजर आता। ये तो फिट हो गया मुदस्सर भाई, कमाल। चलें फिर चलें। पहला गिफ्ट जनाब। नहीं और भी गिफ्ट आएंगे क्या? पहला गिफ्ट नहीं, ये साउथ कोरिया से मेरा पहला गिफ्ट है, साउथ कोरिया से। चलें जी चलें जी, अभी फिट हो गया माशाल्लाह। चलें फिर मुदस्सर भाई, आजकल ये जो ट्रैक्टर है ना, ये रास्ता नहीं देते। रास्ता असल में पता क्या है जी, इसको क्रॉस करके बताता। एक गाड़ी का शोर खुद का इतना ज़्यादा होता है, और ऊपर से इन्होंने टेप लगाई हुई होती है। ऐसी है। एक बात, और दूसरी बात यह है ना, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई कुछ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ खेतों में चला के सीखते हैं और खेतों में चला सकते हैं। और अक्सर होता ये है कि बहुत सारे रोड साइड पर एक्सीडेंट भी इसी बेस पर होते हैं कि इन्होंने बस सीखा हुआ होता है तो बस खेतों में चलाना सीखा होता है, ऐसे तो वो उस हिसाब से चलाते हैं। एक 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 वाक्य भी मैं बताऊं कि एक लड़का ट्रक ड्राइवर जो था जी, उसने ना कैरी डब्बा जो है वो अपने यार दोस्त का लिया, तो बस टेस्ट ड्राइव के लिए। उसे तो ये था कि मैं ट्रैक्टर चला लेता हूँ तो मैं सब कुछ चला लेता हूँ। सही है। और उसने जब गया ना तो समझ लें सीधा गया, कोई एक किलोमीटर भी नहीं गया ना, आगे टर्न था, मोड़ था। सही। वहाँ पे जाके उसने ट्रैक्टर वाला मोड़ काटा ऐसे घुमा के स्टेरिंग, वो कैरी डब्बा था वो उलट गया। सही है, अक्सर ऐसा हो जाता। और दूसरी बात ये मुदस्सर भाई, आजकल जो चावल की फसल है ना वो लग रही है, तो उसका जो वो जो खेत हैं वो तैयार करने होते हैं इन ट्रैक्टर वालों ने ना, तो इसकी वजह से भी आजकल ज़्यादा ट्रैक्टर जो वो रोडों पर होते हैं, बाहर निकले होते हैं वो, तो एक खेत से दूसरी खेत जाते हैं। और जो कच्चे रास्ते हैं वो भी ख़राब कर देते हैं। हाँ। बाइक भी जा सकती है, हमारे तो रास्ते इस तरह के हैं। और इन्होंने ना ये सीज़न है ना दिन रात काम करना है, और इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, बस जितना कर लो इकट्ठा कर लो, लेकिन ये है कि अपनी नींद का अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और उसके अलावा इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि मैं गाड़ी जो है वो खेतों में नहीं चला रहा, अभी रोड पे चला रहा हूँ। और इनके शीशे भी नहीं होते ना, वो जो आपने बात की ना, सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जो टेप है वो लोड लगा लेते हैं, लोड स्पीकर उसका कर लेते हैं, तो ना अपनी बात की समझ आती है ना किसी की बात की, ना पीछे जो आ रहा होता है उसकी बात की समझ आती है कि हमें रास्ता देना है या नहीं देना है। किस साइड को जाना है? बाहर से ही चलना। दसर भाई ये रास्ता बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इस पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। ऐसे ही है। टोन में खरीदी थी? हाँ, वो असल में रोड़ी चाहिए थी ना छत पे डालने के लिए। जैन भाई ने ऑलरेडी दो ट्रालियाँ जो है वो मंगवा के रखी हुई है, वो चढ़ा दिया उन्होंने ना। सही हो गया। तो अभी कल वो मिस्त्री साहब कह रहे थे कि जनाब वो कम पड़ गई है ना, तो एक ट्राली और चाहिए। सही हो गया। और हाँ मुदस्सर भाई, इसलिए हम नहीं गए ना, फिर ये पिछले हाँ, वाले जो काम है घर के ये कौन करता है? अबू जान है वो या चाचू जान है, फिर वो ज़्यादा तो आ नहीं सकते बाजार में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा ऐसे। और जवान बच्चों के होते हुए बुजुर्ग काम करें तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं, ऐसे ही है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आप लोग नहीं साथ में गए, तो भाई ये वजह असल में घर के बहुत सारे काम होते हैं। मुदस्सर भाई आ गए हैं भाई, मैंने आपके लिए कुल्फ़ी का ऑर्डर कर दिया पहले ही, गर्मी बहुत ज़्यादा थी मुझे पता था, थोड़ी देर मैं भी अंदर रुका था, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई मैंने, खाई है एक नहीं खाई है, एक काफ़ी है। ये वही बैंक है जिसमें मैं दो साल काम मैंने किया, ये लेकिन इसकी हालत काम का
नतीजा देख ले क्या निकला है। तब ये ब्रांच बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी मेरे दौर में। सही, अब तो अल्लाह हाफिज हो गया इसका। थोड़ी देर मैं रुका था तो मेरा सांस रुक रहा था, मैंने मुदस्सर भाई को बोला भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, आप जो है ना अपना काम कंप्लीट करके आ जाएं। टोकन मिल रहे थे, मुझे लगा अंदर एसी चल रहा है, मैंने एक ही टोकन लिया और उसके साथ मैंने मुकल्लब भाई को भी अंदर ले गया हूँ। मुझे भी यही था कि एसी चल रहा होगा। वहाँ पे पंखे भी नहीं थे भाई, वो जो स्टाफ है ना बैंक का वो कुछ बैग भीगा हुआ था। हाँ, उनके ऊपर ही लगे हुए थे, वो भी 3 से 4 चल रहे थे। असल में पता क्या, एक ही बंदा मैंने नौकरी मिल गई है, वो कहते हैं सिर्फ सुट के वो काम कर रहे हैं। मैंने बाहर निकला, मेरी नज़र पड़ी है कुल्फी पे, मैंने जल्दी से कुल्फी खाई है और मैंने आपके लिए ऑर्डर कर दिया। मैंने कहा जब निकलेंगे हम दसर भाई को सरप्राइज़ करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी से आ रहा है बंदा तो एकदम से ठंडी चीज़ मिल जाए क्या फीलिंग होगी। मैनेजर भी हो या सुपरवाइज़र भी हो गया नहीं ना, ये सारा स्टाफ चेंज हो गया। एसी पहले उखाड़ दिए गए हैं वहाँ पे, नहीं जो लगे हुए हैं वहाँ पे उन्होंने उसको 16 पे रखा हुआ है, लेकिन वो टेम्परेचर 16 पे अभी क्या करेगा, अभी इस शॉप पे एसी चल रहा है, हमें महसूस भी हो रहा है ऐसे ही है ना। और कैश पे भी एक ही बंदा, एक ही बंदा, हाँ एक ही बंदा मैंने भी देखा। और बड़ी बात कह रहे थे कि कैश नहीं है आपका, पूरा 1 घंटा लगा है इसी इंतज़ार में, कोई पैसे जमा करवाए मैं निकलूँ। हाँ एक बंदा आया तो था, उसके पास इतना कैश नहीं था। असल में उसके पास पहले से चेक बहुत जमा हो गया। असल भाई आजकल सेलमैन भी आते हैं कैश में, ये जो गैस के फोन के ये वो सारे कैश ले किया, कैश ले किया। असल में पता क्या, बैंक में भी ऐसे ही होता है, कैश जब कम होना पीछे से मंगवा लिया जाता है, और अगर ज़्यादा हो तो पीछे भेज दिया जाता है। सही, अब इनका सिस्टम ये है कि पीछे मंगवाने वाला चक्कर कोई नहीं, यही कुछ जमा करवाए वही पैसे कोई लेने वाला आए तो उसको दे दिए, पूरे हो गए तो ठीक है, नहीं तो कम कर दिए जाएंगे। असल में हमें तो आइडिया नहीं था, क्योंकि हम दसर भाई तो जॉब करते रहे हैं ना, इस वजह से हम दसर भाई को आइडिया। आपका चूल्हा दसर भाई अच्छा नहीं चल रहा, मैं वो मैं बताता हूँ, मैं नया सेटअप लगाने की फ़िराक में हूँ, अच्छा। कोशिश में हूँ, नया सेटअप लगेगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, चूल्हा देखा जा रहा है। कितने का जी? अरे 1850 लाया तो तुम्हें मिल जाएगा, थोड़े बाद 15 जबरदस्त है, जबरदस्त। क्यों कर भाई? हाँ प्यारा है माशाल्लाह, ठीक है अभी काम भी ये प्यारा करे तो फिर मजा। अच्छा ये तो है हिस्सा जो दोबारा भी मिल जाता है। हाँ ये नहीं खराब होता, चूल्हा लिया जा रहा है जी, जितने भी फूड ब्लॉगर हैं उनकी चूल्हे पे नज़र होती है, दसर भाई करते हैं किचन में तो इसलिए फिर वो अपना चूल्हा ले रहे हैं, बाकी देसी वाले जो हैं मिट्टी के चूल्हे में करते हैं। मुकरम भाई मुबशर भाई ये जी नेशनल वाला चूल्हा लिया है, लेकिन वक्ती तौर पर लिया है क्योंकि अभी मार्केट में जा नहीं सकते, तो इंशाल्लाह जब सियालकोट वगैरह पर जाएंगे तो वहाँ पे भी लिया जाएगा, ये चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कह लें उसके लिए ये चूल्हा लिया गया है, तो इंशाल्लाह किचन को अपग्रेड मैंने कहा है कि करते रहेंगे करेंगे इंशाल्लाह, तो वो उसी सिलसिले में ये चूल्हा लिया गया, तो इंशाल्लाह सारी अपडेट्स आपको भी देंगे और बताएँगे कि आप अपने किचन को अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो बस चूल्हा जो है वो हमने ले लिया। दसर भाई जी भाई आए बैठे पे पानी हो जाए, ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ। वो तो आप बैठे हुए हैं, मैं कह रहा था कि आए घर में बैठते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरा साथ दिया इतनी गर्मी में। कोई बात और आपके साथ सफ़र करने का बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह। काफ़ी देर के बाद ये मेरा भाई मुदस्सर का जो है ना टोन का सफ़र था, क्यों मुदस्सर भाई ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और ये देखें गाय को गर्मी में, मतलब गर्मी है छाँव में भी गर्मी है, इसको कैसे सांस इसकी फूली हुई है। थैंक यू, रोड़ी आई है? नहीं आई, नहीं जी रोड़ी आ गई है, वैसे पॉसिबल नहीं था जुमा था, लेकिन रोड़ी पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम भी ख़त्म हो गया रोड़ी वाला, अभी पैसे देने रह गए हैं ये ट्राली वाले को, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं है, तो इंशाल्लाह शाम को उन्हें पैसे भी दे दिए जाएंगे,
और काम देख लेते हैं कहाँ तक हुआ है। ये साइड हो गई है मेरे ख्याल से, और ये साइड भी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गया हूं, और ये हमारा चूल्हा वहां पे खुला हुआ तो देख ही लिया था, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग भी जरूरी है कि इसमें क्या क्या उन्होंने साथ में दिया हुआ है। अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मुझे जो पसंद था ना चूल्हा वो कोई और था, लेकिन हमारी मार्केट में यही मिलता है, सबसे अच्छा चूल्हा यही था, तो फिलहाल इसी पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने का सोचा है कि इससे स्टार्ट किया जाए, बाद में अपडेट्स अपग्रेड सब कुछ वो बाद में किया जाएगा। ये जी चूल्हा है, और ये मुझे मिला है, ये इसके काम, ये मुझे मिला है 1500 रुपये में। 1700-1800 रुपये का बोल रहा था, फिर वो कह रहा था 1550 में दे दूंगा, फिर जब मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं तो उन्होंने 1500 का जो है वो 1500 रुपया ही लिया है। अच्छे से काम करेगा इंशाल्लाह, हमारी ज़रूरत इससे अच्छे से हल हो जाएगी, बस ये है कि इसमें कोई फॉल्ट ना हो। तो बस जी आज का व्लॉग बस इतना ही, तो आज की वीडियो इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये चूल्हा भी किचन में रखेंगे।